को मिलाने वाले हैं एक ऐसे नेता से जिसका इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देखेंगे। यह एक ऐसा नेता है जिसकी शिक्षा के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि यह एक अनपढ़ और अंगूठा छाप नेता है। यह अनपढ़ और अंगूठा छाप इसलिए है क्योंकि इसने कभी विद्यालय का रूप देखा ही नहीं, फिर भी ये हमारी लोकसभा के सांसद पद के उम्मीदवार है। और हमारे शास्त्रों का कहना है कि ऐसी महान हस्तियाँ जहाँ कहीं भी पहुँचती हैं वहाँ हलचल मच जाती है। तो अभी कुछ ही क्षणों में हमारे और आपके भी बिना जी का आगमन होने वाला है कि जहाँ न पहुँचे रवि कभी, कि जहाँ न पहुँचे रवि कभी वहाँ पहुँचे गड़बड़ जनक की न्यूज सभी। हमारे आपके बीच बिना जी का आगमन हो चुका है, जोरदार तालियों से नेता जी का स्वागत कीजिए। अरे संभल के नेता जी, संभल के। हम पत्रकार हैं नेता जी। नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ एक टायर लगे हुए हैं। देखो भाइयों, ये कह रहे हैं टायर लगे हुए हैं। अच्छा देख ले भाइयों, टायर लगे हुए हैं। तुम सोते होते निकाल नेताजी। ये क्या हुआ है? नेताजी कैमरा लगे हैं आपको, तो लाइव देख रहे हैं। ओ देख रहे हैं। तुम कैसे पत्रकार हो? तुम्हें नमस्कार करना भी नहीं आता है? हम इतने बड़े नेता यहाँ पर आए, नमस्कार नहीं किया? हम तुम्हें सिखाते हैं नमस्कार कैसे करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी अपनी गाड़ी से आए उनको भी नमस्कार, और जो दूसरा में ठूस ठूस कर आए हैं उनको भी नमस्कार, सभी भाइयों को भी नमस्कार, और उनकी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा विशेष नमस्कार। ज्यादा मत बोलिए नेताजी, टीवी पे सभी लोग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। अबे नेता तू है कि मैं हूँ? शांत, उस पे शांत नहीं खड़े रहो। भाइयों और उनकी बहनों, ये मेरे दोनों बॉडीगार्ड हैं। बॉडीगार्ड तो सस्ते में आवे नेताजी, बॉडीगार्ड। अबे नेता तू है कि मैं हूँ? सॉरी सर, आप नालायक नहीं खड़े रहो झुक पे। हाँ तो बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? नेताजी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है, आज आपका इंटरव्यू है। कहा यार, लिंटर ट्रक बात करते हो? लिंटर ट्रक हमें बुला, लेबर है तो करो, हमका क्यों बुला? नहीं नेताजी, लिंटर नहीं, इंटरव्यू है आपका। ओहो इंटरव्यू है। इंटरव्यू? अबे इधर आ तू, ये इंटरव्यू का हो रे? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा साक्षात्कार। हाँ भाई पूछो, पूछो क्या पूछना है। अबे बैठे कहाँ पर? यहाँ पे तो चारपाई और कोई नहीं डाले हो नेताजी। ये स्टूडियो है, यहाँ चेयर लगाई गई है। ओहो चेयर लगाई गई है। अबे इधर आ, ये चेयर कहाँ हो गए? ये अबे ये क्या हो गए? छोटी चारपाई नेताजी, छोटी चारपाई। ओहो छोटी चारपाई, देखो भाइयों ये छोटी चारपाई है। हमारा साइज देखो, अरे छोटी चारपाई का साइज देखो। ला देखी पर हमारा पिछवाड़ा है कि ना है? अबे क्या, अरे भाग रही थी, भाग रही।
पकड़ के रखो ना, लगे तुम भी भाग जाओ इसके साथ। अरे बैठो ना सर, बैठो। हाँ तो बताओ भाई, हमें क्या करना है? नेताजी तो हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। अरे भैया कहाँ पर स्टार्ट करो, गाड़ी वाली स्टार्ट करो, हमें ना बताओ भैया। अरे नहीं नेताजी, बैठिए, हम मैंने क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। ओ क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। अबे इधर आ, ये क्वेश्चन का है को कहते हैं? प्रश्न नेताजी, प्रश्न। ओहो प्रश्न, हाँ भाई तुम पूछो प्रश्न। नेताजी आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म तो इंडिया में हुआ था। नहीं नेताजी, मेरा मतलब है कि किस इलाके में हुआ था? अबे पागल वागल, इलाका तो कुत्तों का होता है, हम जैसे शरीफ नेता का थोड़ी। अरे नहीं नेताजी, मेरा मतलब है कि किस जिले के, किस गांव के, किस घर में हुआ था? अरे तुम हमका लग रहा बेवकूफ हो। अच्छा एक बात बताओ, 4 दिन के बच्चे को क्या मालूम कि वो कहाँ पैदा हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ पैदा हो रहा हो? खटिया पैदा हो रहा हो कि चार पाई की बेड पर, कि सरकारी स्कूल अस्पताल में, या कि घर में, कुछ याद रहा है? नेताजी हमें तो नहीं याद था, क्योंकि उस समय हमारी आंखें बंद होगी। वैसे ही जब तुम प्रकट हुई रहे तो तुम्हारी आंखें बंद थी, जब हम प्रकट हुई रहे तो हमारी भी आंखें बंद थी। जो नाता हमें नेताजी के लिए, इसलिए हमें नहीं पता कि हम कहाँ प्रकट हुए। हाँ शास्त्रों को पढ़ने से पता चला कि हम लंका में प्रकट हुए। अच्छा नेताजी, फिर हमारा अगला सवाल जनरल नॉलेज से है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का हो? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। ओहो सामान्य ज्ञान, हाँ भाई पूछो क्या पूछना है। नेताजी चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम तो अम्मा स्ट्रांग ने रखा था। अम्मा स्ट्रांग नहीं नेताजी, आर्मस्ट्रांग। हाँ भाई 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 आर्मस्ट्रांग। नेताजी हमारा अगला सवाल है कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? देखो भाइयों, अम्मा स्ट्रांग का भाग से लगड़ी खेलने का होगा, दूसरा कदम उसी ने भी रखा होगा। जोरदार तालियां हमारे सजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें कर ली जाए। पॉलिटिक्स? अबे इधर आ, पॉलिटिक्स का होए? राजनीति नेताजी, राजनीति। ओहो राजनीति, हाँ भाई करो बातें। नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? क्या यार हिंदी में बात नहीं कर सकते हो तुम? अबे तरह ये गवर्नमेंट का हो? सरकार नेताजी, सरकार। ओहो सरकार, सरकार तुम्हारी राम भरोसे चल रही है? नेताजी राम भरोसे मतलब भगवान के भरोसे? अरे भैया वो राम भरोसे नहीं, ये राम भरोसे। मतलब नेताजी? अरे देखो भैया, सारा काम तो यू करते हैं, जहाँ पर अंगूठा लगाओ बताओ तहाँ अंगूठा लगाई दी। अच्छा नेताजी, क्या आप हमको बताना चाहेंगे कि आपने जनता के लिए क्या किया है? अबे जरा क्या किया है? सारा काम तो तूने किया है। काला चिट्ठा खुलवाओगे का बता दो, कंबल बटवाए थे? कंबल बटवाए थे यार? जनता को नहीं, जानवरों को। नेताजी मतदान आपने जनता से लिया और कंबल सिर्फ जानवरों को क्या बटवाए? अरे देखो भैया, दूध तुम तो देखना है, जो हम तुम्हारा दूध पीना, इतनी सर्दी को मर जाते भाई, इसलिए कंबल बटवाए थे उनको, दूध तो उन्हीं का पीते हैं। जोरदार तालियां हमारे सभी के लिए। नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह, देखो भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ऐसा है कि आप लोग भी और ये भी उसे खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। मतलब नेताजी को समझे नहीं हम। अरे जूता जूता। अच्छा नेताजी, नेताजी आप अपनी पार्टी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी पार्टी के सभी भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, हमारी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, और जो ट्यूबर कोका कोला से न माने उसे चाउमीन और बर्गर से माने, फिर भी न माने उसे मार पीट कर मनाए, लेकिन हमें विजयी बनाए। हाँ एक बात और है, हमारे सांसद बनने के बाद
सभी भाइयों को एक एक अच्छा वाला जूता खिलवाएंगे और उनकी बहनों को हम इस फैशन के बढ़ते हुए दौर में हम उनको एक एक सैंडल ऊंची हील की दिलवाएंगे। नेताजी के इस नेक काम के लिए जोरदार तालियां। नेताजी आपका चुनाव कब है? हमारा चुनाव तो 36 तारीख को है। 36 नहीं नेताजी, 26 तारीख। हाँ वही 36 तारीख को। अच्छा नेताजी, आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी का होते हैं लोकतंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। ओहो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनता के द्वारा। अरे जनता के द्वारा और जनता की ऐसी तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। जोरदार तालियां हमारे नेताजी के जवाब के लिए। अच्छा नेताजी, आपने अपने चुनाव के प्रति क्या तैयारी की है? अरे भैया, हमारे चुनाव के प्रति हमारी तैयारी ऐसी है कि हमसे आगे कोई निकल ना सके। क्यों नेताजी, ऐसा क्यों? अरे देखो यार, हमने 10-12 तक मिठाई, चाउमीन, बर्गर, टिक्की, बतासा, सब बटवा चिकन और 6-7 कालजन में लड्डू, प्याड़ा, बर्फी, ड्यू, कोका कोला, सब बटवा चिकन। अब आज यहाँ पवन सुबह आए हैं, यहाँ शाम को यहाँ 6-7 तक बटवा दी मिठाई। और हाँ एक बात और सुने की, लेकिन लड़की और लड़का लड्डू खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम यहाँ लड्डू भेजवाई आज शाम को यहाँ भेज। नेताजी के इस नेक काम के लिए जोरदार तालियां। नेताजी पिछली बार जब आपके गांव में आ रही थी तब आपने उसमें क्या सहयोग किया? अरे भैया, उसमें तो हमने बहुत ही सहयोग किया। जितने गाँव गए उसका शमशान घाट डारिया और जितने मर गए सबका सालम भर्ती कराया। चिंता करे कोई बात ना है, देश भर के सब वैज्ञानिक चिंता करे जुटे हैं। हाँ एक बात और है, जितने घायल हुई गए उनका हम 50-50 रुपए मुआवजा दें और जितने मर गए उनका 70 रुपए का मुआवजा दें, इससे ज्यादा भैया हम कुछ ना कह सके। नेताजी जितने मर गए उनको सिर्फ 70 रुपए का पुरस्कार और जो मर गए जो घायल हुए उनको 50 रुपए का मुआवजा, ऐसा क्यों? अरे हमका लग रहा तुम्हारे पास दिमाग उमाग ना है। देखो जब से मर गए वही तो मर गए और जितने घायल हुए उनका 50 रुपए यही बीता है और जल्दी जल्दी अपन बढ़िया इलाज कराए, हमका वार्ड के सांसद तो बनी। नेताजी के लिए जोरदार तालियां। नेताजी पीछे जो महंगाई बढ़ रही थी उस पर आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? अबे जरा क्या कहूँ जनता से, अबे हटाओ यार इसे। क्या यार सवाल पे सवाल किए जा रहे हो, यहाँ पे पंखा वंखा ना लगवाए से कर रहा हो का? नेताजी सर्दियों में पंखा कौन लगवाता है? लाओ अच्छा फोन लाओ अपना। क्या करोगे? फोन से फोन करेंगे और क्या करेंगे। किसको? अपनी घरवाली को। अच्छा तो और हाँ एक बात और है, हमारी घरवाली नाम जान सकता है तुम? चंपा कलीना रेवरी घरवाली कर लगती है। अब पता ना आई है कि ना हमें जाकर इंटरव्यू जाकर। चल दुरक ना लायक कहेगा, वैसे भी बहुत हैंडसम और लग रहा है कि अब विचार के लड़के चाहिए। अब हाँ सामान खड़े रहा हूँ तुम्हारे तो खिबा ही ना करो, तुम तो लग रहा है कि कोई ना खान से नहा के निकल रहे हो बिल्कुल कहीं का। तुम का दाख दो तुम तो तुम शादी कभी पैसे भी शरमाती है बहुत बोल रहे वैसे हो तुम। अरे चंपा कली सुनती हो, जरा टीवी खोल के देखो, मैं किसी चैनल पे आ रहा हूँ। जी आपसे कोई कुछ कह रहा है? मेरी वाइफ का फोन। अरे हाँ हेलो। हाँ कौन था? अरे कोई गधा बात कर रहा था। मर से गोली फूटी, मर 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 से मर। रुकाओ रुकाओ नेता जी रुकाओ, पहले इंडिया देखाओ, चारी बार नजर उठा के देखाओ, इंडिया देखाओ, वही देखो मोहित सर जी देख रहे तुम्हारे, और उधर देखाओ वही सब लोग देख रहे हैं तुम्हारे।
और इनके ये आदमी उदे रखा थी और ये मेहरुआ उदे करते और ऐसे में हाँ अगर इनका तुम बिना टिकट के रे उनकर पहुंचाए जाओ तो सोच ले तुम तुम्हारी घरवाली तुम तुम्हारी घरवाली तुम्हारी बाहर वाली और तुम्हारी आगे वाली तुम्हारी पीछे वाली और तुम्हारे लड़का बच्चा पोता नाती नतकुर सब लोग जेल में बैठ के चक्की पिसियाओ और तुम्हारी यह पार्टी नेता जी यह पार्टी जिंगे जो नौका लगत रहे अरे वहाँ गुलरिया वालो मेला लागत है हाँ वह मेला में बैठ के तुम्हारी पार्टी सांडी वालो तेल बेची है नौका खड़ा जो इनका इससे बढ़िया इनके हाथ गोल करवा दे चलो तुम लोग इनके हाथ गोल इस लोग के उठ ना पावे पता नहीं ऐसे जाहिल नेता कहाँ से चले जाते हैं हमारे स्टूडियो में। अरे बुलाया तो तुम ही ने था। अरे जाओ महाराज जाओ। जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम दिखाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपको अपने मतदान के प्रति जागरूक कराना भी है। अगर आप इन जैसे जाहिल नेताओं को अपना वोट देंगे तो हमारे देश का कभी भी विकास नहीं हो सकता और हमारा देश कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अपना वोट एक सज्जन ईमानदार व्यक्ति को ही देना है। धन्यवाद। भैया जो लोग आप खड़े हुए हैं सीटें बढ़वा दी गई हैं आप लोग